कभी दिल्ली को पेरिस तो कभी विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार की पोल हर एक बारिश धीरे धीरे खोल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजश्री सिंह। दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे में बादल जमकर बरसा, लेकिन बरसते बादल के साथ ही दिल्ली की सड़कों पर जल जमाव, जाम और लोगों की अपनी मंजिल तक पहुंचने की जद्दोजहद ने दिल्ली सरकार के वादों को बेनकाब कर दिया। आधुनिक तकनीक से पानी निकाल देने वाली मिंटो ब्रिज पर भी पानी ही पानी है। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक की स्थिति है, सिग्नेचर ब्रिज सेक्टर 4, सेक्टर 20 इत्यादि सभी जगह जल जमाव की स्थिति है। आपको याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई बार ऐसे वादे किए हैं, दिल्ली को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं, सुविधाओं के अभाव को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी होता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर बारिश में सामने आए दिल्ली की इन तस्वीरों को कैसे देखा जाए, ये भी सोचने का विषय है। खैर, खाली दिल्ली सरकार को गलत ठहराया जाए तो ये शायद जायज ना हो, क्योंकि पिछले 3 बारिश से एमसीडी पर कायम भाजपा का भी इसमें योगदान है। हालांकि केवल इतना फर्क जरूर है कि एमसीडी पर कायम भाजपा दिल्ली को पेरिस बनाने का दावा नहीं कर रही, तो लोगों का एमसीडी और भाजपा के निगम पार्षदों पर थोड़ा कम है और आपके पार्षदों पर शायद थोड़ा ज्यादा है। जल्द ही एमसीडी के इलेक्शन है और दिल्ली में पार्टियां भी कमर कस चुकी हैं, लेकिन वोट के नाम पर मिलेगा या फिर पार्टी के नाम पर, ये देखना होगा। एक्सपोज इंडिया आपको सच बताएगा भी और दिखाएगा भी। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खैर, आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। हाय गाइस, दिस इज आलिया भट्ट, यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया। कीप वाचिंग।